अगर आपने अगर इसके अगर दही भल्ले अगर आपने नहीं खाए यहाँ पर दिल्ली में नेहरू प्लेस में आने के बाद, तो भाई आपने अगर कुछ नहीं खाया यहाँ पर, पहुंच गया यहाँ पर सर्विस सेंटर पे, लेते हैं जल्दी से यहाँ पर रैंप, तो भाई नीचे आ गया तुम्हारा यहाँ पर ले करके। अभी जो हमारी मेट्रो अभी कुछ छोटते छोटते बची है। Hey guys, good morning all of you. Welcome to our new vlog. और आज की vlog की शुरुआत फिर से मैं कर रहा हूँ। चैनल का एक नया वीडियो आउट होने वाला है और उसकी एडिटिंग में लगा हुआ है। हमारे दिन की शुरुआत हो रही है गरम गरम खाने से, तो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद आपको बताते हैं कि आज की रूटीन या शेड्यूल क्या है और कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं। तो हमें 2-3 सामान लेने के लिए जाना है और थोड़े बहुत काम करवाने, तो भाई अपना ब्रेकफास्ट कर ले पहले और फिर आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो भाई अब अपना हम खाना खा चुके हैं और जिस काम के लिए व्लॉग चालू किया है वो है ये चीज, ये कैमरा भाई हमारा। ये भाई हम तो नए नए कपड़े पहनते हैं पर इससे भी अभी जरूरत है अपग्रेडेशन की, तो इस व्लॉग को हमने जिसलिए चालू किया है वो ये कैमरा, ये वजह है इस चीज की वजह। और हमें 2-3 रील्स मेरे आने वाले हैं इन अ फ्यूचर। निशी को जाकर के भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि भाई इसके ना बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त जो है ना भाई वो आने वाले रील वीडियो, काफी मजे आएंगे आप लोगों को। बाकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चलो हम दे ही देंगे वैसे, है ना। चलते फटाफट से सर, रेडी तो हम हो ही चुके हैं, देखो ग्लव्स व्लव्स पहन लिया है और भाई चलो चलते हैं। ब्लेड तो छोटी सी होगी ना वो, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये 4-5 ब्लेड लगेगा। 4-5 ब्लेड लगेगा उनके पास है ही नहीं, और जो बंदा बढ़िया काम कर सकता है वो लड़का आया ही नहीं अभी तक। शाम को आएगा और जब तक मैंने उसकी टॉफी चुरा के खा ली है, तो टॉफी खाते खाते चलते हैं, स्कूटी का काम करवाना भी है। ठीक है भाई चलो। भाई आज हम निकले थे घर से वैसे स्किन लगवाने के लिए कैमरे के ऊपर भाई, लेकिन वो तो लग ही नहीं पाया वहाँ पर, क्योंकि जो बंदा था वो उसके पास सामान प्रॉपर वो अवेलेबल ही नहीं था। तो अभी हम आ गए यहाँ पर सेक्टर 14, लेकिन भाई सेक्टर 14 अभी हमें मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा। तो हमने सोचा कि भाई जब हम आ ही गए हैं तो यहाँ पर भाई कुछ सामान ले लेते हैं, ऐसे ग्लव्स वगैरह, भाई काफी ज्यादा ठंड हो रही है। और उससे पहले यहाँ पर ढूंढना है ATM, जो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो चलो भाई पैसे तो निकल गए हैं और बस अब निशी को ढूंढना है, वो किसी ग्लव्स की शॉप पर है तो यहीं पे कहीं होगा वो। चलो भाई फटाफट से लिया जाए बस ना ग्लव्स और यहाँ से निकलते हैं और जाना है फिर कुछ शॉर्ट्स वीडियोस हमें शूट करने हैं। भाई काफी ज्यादा बड़ा मार्केट है यार यहाँ। कौन सा? ये 2 ग्लव्स लिए हमने भाई, ये देखो गरम गरम ग्लव्स लिए हैं ये 2। तो जी चलो, हमने यहाँ पर जो ग्लव्स लेनी थी ना हमने भाई ले लिया है हम दोनों के लिए। भाई बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही थी। हाँ। लग रहे हो? भाई इतनी गंदी ठंड हो रही है ना सर, लिटरली अभी ठंड हो रही है और इधर डालना पड़ा है बस कायदा ऊपर से। ये देखो मैंने स्वेटर भी डाला है फिर ऊपर से मुझे जैकेट डालना पड़ा, बल्कि ये जो है काफी अच्छा खासा गर्म है ये जैकेट, लेकिन भाई फिर भी मुझे जरूरत पड़ने लग रही है। चलो भाई फटाफट से, वैसे भी ग्लव्स की जरूरत थी भी, ग्लव्स तो भाई हमारे पास था ही नहीं क्योंकि पिछले साल का पता नहीं मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मम्मी गई है भाई घूमने के लिए 1 महीने के लिए, क्योंकि हम आए हुए जो है वो भी हम स्कूटी पे है तो काफी ठंड तो वैसे ज्यादा ही है। चलो भाई डालते हैं फटाफट से। Unless you talking numbers, we ain't speaking about the right things. Switch up on my nigga for a figure, that's not like me. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know. क्या दे रहे हो आज का ऑर्डर? एक नील फिश का ट्राई करते हैं। भेलपुरी। भेलपुरी। भाई मैंने तो आज से चाय ट्राई नहीं किया। चाय उस मैंने ट्राई किया गलेरिया मार्केट। क्या कुछ? भाई बहुत नकरे हैं भाई आजकल। हाय हो गया हो गया हो गया, इतना ही है बस। मैं एक भेल पूरी खाने निकले चाय उस भाई, आप ये ट्राई करना था। अच्छा अभी ट्राई किया नहीं था। वैसे यार वैरायटीज तो काफ़ी सारे हैं चाय उसके, दूसरी बार आ रहा हूँ वैसे मैं चाय उस में। है भाई खुल्ले? चलो ओहो दे माई भी चल यहीं बैठ जाते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर कर दिया है भेलपुरी ऑर्डर और यहाँ पर एक भेलपुरी का कॉस्ट जो है ना वो है लगभग 104 रुपए। तो भाई नीसी आ गया तुम्हारा यहाँ पर ले करके भेलपुरी। चल गया भाई। भाई ये क्या है ये भेलपुरी? मुझे पहले से यकीन था ऐसे कुछ मिलने वाला मेरे को देखने को भेलपुरी। भाई ये देखो यहाँ पर लिटरली कैसा है भेलपुरी, ये देख सकते हो 2-4 यहाँ पर पापड़ी है, 1-2-3 हाँ मट्ठी है, तुम इसे पापड़ी भी नहीं कह सकते एक्चुअल में, ये पूरा का पूरा मट्ठी है। अब इसको टेस्ट करके देखना है कैसा है, हमें मिलाना है। अब इसी खा और टेस्ट बता कैसा है, हाउ इज इट? अच्छा सही में। अब मैं टेस्ट करता हूँ मेरे को देखा। तो थोड़ा हमने टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डाल दिया हमने यहाँ पर नींबू। आपको बिना नींबू को पहले टेस्ट करना चाहिए था। वैसे ही ये तो है कि भेलपुरी के नाम पे धोखा तो है, ठीक है ये एक चीज है कि भाई टेस्ट सही है, उतना भी उतना खास नहीं है, एवरेज एवरेज है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर कहूँगा, हम अपने घरों के आसपास खाते हैं उसमें ना अलग तरीके की चटनियाँ डालते हैं,
जो शायद इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, इनका ना थोड़ा ड्राइनेस वाली फील ना थोड़ी ज़्यादा आ रही है। हाँ। चलो ठीक है भाई, ये हमारा फूड रिव्यू नहीं था वैसे, ठीक है ओवरऑल देखा जाए, लेकिन प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा ना ज़्यादा है। हाँ भाई, 104 रुपये में हमें यहाँ पर मुरमुरा दे दिया है। देखो तो अच्छा लगा, मैं बकरी हूँ। बकरी हूँ। देखो भाई, 104 रुपये में लिटरली क्या किया, ये छोटे छोटे 3 पापड़ी हैं इन्होंने ये दिए हैं, बाकी ये केवल शायद वो है गाइस, ये नमकीन भरे हुए हैं यहाँ पर। चलो भाई जो भी बना आप क्या कर सकते हैं, क्यों भाई नीचे। तो अब चलते हैं ऐसा सीधा घर, क्योंकि हमारा जो मेन काम था ना भाई वो ही नहीं हो पाया अभी तक, तो घर चलते हैं और कल के दिन आते हैं दोबारा से, क्योंकि भाई कैमरे का स्किन तो मुझे लगवाना ही लगवाना है किसी भी सूरत में। लिटरली भाई इस वाली मार्केट में ना केवल लड़कियों के जूते, 90% लड़कियों के कपड़े, भाई लड़कों के तो एक नहीं है यहाँ पर। ये देख रहे हो, ये देखो भाई जूते, ये किसकी औलाद है, केवल लड़कियों की भाई साहब, सारे कपड़े यहाँ लड़कियों के हैं सारे। लड़कों के साथ भाई पता नहीं क्या ही पार्सलिटी है, क्यों नहीं सर। सही में यार बहुत दुख हुआ सुन के। हम घर चलते हैं, हम कहीं नहीं रुकना, चलो सीधा चलो। तो भाई चलो सीधा चलते हैं हम डायरेक्टली घर। तो भाई आज है दूसरा दिन, और कल के दिन जो हमें भाई कैमरे पे स्किन का काम कराना था वो तो कल हो ही नहीं पाया किसी भी तरीके से। तो भाई आज के दिन हम निकल रहे हैं सीधा नेहरू प्लेस जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि हमने कुछ हमारा जो रैम था, पावर सप्लाई था, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव्स थे, वो बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो गई थी। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं सीधा नेहरू प्लेस, क्योंकि सर्विस सेंटर से कॉल आया हुआ है, तो हम आपसे लेकर के आना है हमें रैम, कि भाई रैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हमने जो अपनी नई पीसी जो हमने बनाई थी उसके अंदर चाहिए हमें। और मेरे साथ चल रहा है भाई शुभम, यानी कि आपका स्टार्डन। तो चलते हैं फटाफट से यहाँ से दिल्ली और निकलते हैं, क्योंकि भाई काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं निकले तो भाई आते वक्त जो है हमें आराम से शाम के 6 से 7 बज जाएंगे। तो चलो भाई फटाफट से निकला जाए। हम उतर गए यहाँ पर बस से, और स्टार्टर भाई साहब अभी क्लच गया, क्योंकि उसका चेहरा आने वाला था अभी, और अभी एक्सपोज हो जाता बिल्कुल स्टार्टर ना तुम्हारा। भाई से हमें थोड़ा सेफ नहीं लग रहा, क्योंकि ठंड थोड़ी ज्यादा ही रखी है। तो भाई आज हम जाएंगे मेट्रो से, बस से निकल के हम ऑलमोस्ट मेट्रो में आ चुके हैं, और यहाँ से जो है ना चल। ओहो स्टार्टन, तो भाई साहब ये बिल्कुल ये लड़का फेस बचा के चलता है हमेशा, कि भाई किसी भी तरीके से तो नहीं है कैमरे में ना आ जाए। चलो भाई चलते हैं, मेट्रो आ गई है अपनी। ओहो जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन, बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचे। अभी जो हमारी मेट्रो बिल्कुल छूटते छूटते बची है, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेहरू प्लेस पे, और अभी जस्ट जो हमारा काम है ना वो लेना है फटाफट से सर्विस सेंटर से जाकर के हमें उठाना है रैम। और ये तुम्हारा स्टार्टन देख रहे हो कैसे पैक होकर के जा रहा है, बिल्कुल भाई साहब हुडी के ऊपर जैकेट, भाई साहब फुल पैक है। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पर सर्विस सेंटर पे, लेते हैं जल्दी से यहाँ पर रैम, क्योंकि भाई ये एडिटिंग पीसी भाई हमारा भी वेट करने लग रहा है। ये रहा देख रहे हो, जिससे कि हमने रिसीविंग दे रखा था वो हमने फोन पे ले रखा था, क्योंकि जो ओरिजिनल जो इसके अंदर पेपर था लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उसमें भाई मेरा स्लिप है जिससे हमने रिसीविंग कहते हैं वो एक्चुअली गुम हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो काम चली जाएगा। चलो यार भैया तब तक निकाल रहे हैं यहाँ पर हमारा रैम, वेट करते हैं। साइन करूँ? साइन डेट और मोबाइल नंबर। साइन डेट और मोबाइल नंबर। तो चलो भाई हमें मिल गई है यहाँ पर रैम, और हम निकलते हैं फटाफट से, और ये भाई लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि भाई हमारा जो काम है ना बहुत ही ज़्यादा रुकने लग रहा था। चलो ठीक है भैया। तो भाई एक रैम तो हमने यहाँ पर ले लिया, और दूसरा रैम भाई ये जो दो रैम है ये दूसरे स्टिक्स हैं, ये मतलब RGB वाले, ये अभी हमें देने हैं, क्योंकि इनमें से एक ना ख़राब हो गया है। और प्रॉब्लम इसके साथ यहाँ पर क्या होती है कि जब भी आप कॉम्बो वाले लेते हो ना रैम, तो उसके अंदर हम हमेशा आप अगर एक रैम भी अगर ख़राब हुआ है तो आपको दोनों ही देने पड़ते हैं। तो भाई अल्टीमेटली हमें दोनों ही देने पड़ेंगे। आप ये लो भैया इसका बना दो। भाई सर्विस सेंटर से फ्री हो गए हैं, और अब भाई लगी हमें भूख। तो नेहरू प्लेस में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस यहाँ पर एक दही बल्ले की दुकान है भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दही बल्ले बनाता है बंदा, और मैं जितनी बार भी आता हूँ ना इसके मैं जरूर खाता हूँ। हमने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर दही बल्ले, ठीक है चलो अब इसे खाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर क्या आखिर जो है कैसा इसका टेस्ट है। तो चलो भाई हमने जो दही बल्ले थे हमने खा लिए हैं, और फाइनली खाने के बाद जो नहीं ले लिया हमने यहाँ पर संतरे का जूस। अब चल रहे हैं भाई डायरेक्टली सीधा यहाँ से घर, मेट्रो में पहुंच चुका हूँ मैं लॉबी में, यह है नेहरू इनक्लेव मेट्रो स्टेशन। पहुंच गए यहाँ पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे, और भाई अगर इतनी दूर आ रही, और भाई इतनी कड़ाड़ी सी ठंड हो रही है कहने की बात नहीं है। और यहाँ पर एक चाय वाला है भाई, बहुत ही अच्छी अदरक वाली चाय बनाता है बंदा, तो फटाफट से चलते हैं उसकी चाय पिएंगे। शुभम तेरे को भी पसंद है ना? शुभम को तो बहुत पसंद है भाई, नहीं है। वो कम से कम भी शुभम 2 से 3 बार ये पी चुका है अभी तक आ करके घर से, वो और घर से हुडा सिटी सेंटर के डिस्टेंस ना कम से कम 6 किलोमीटर है, समझ रहे हो कितना बड़े वाला फैन है यहाँ के चाय का। चलो आपको दिखाता हूँ, तो जो वो चाय की दुकान है ना भाई वो है ये वाली, ये देख रहे हो, दो चाय कर दो अदरक वाली बढ़िया सी लाओ जी। तो चलो भाई चाय पिए जाए इनके। ओहो हो भाई एक नंबर की चाय है।
trying to see the globe and sell out shows and stuff. तो भाई चाय हो गई अपनी यहां पे खत्म और इसे फेंकते हैं चलते हैं। तो भाइयों आज है हमारा दूसरा दिन और भाई आज के दिन जो है हमारा ऑलमोस्ट इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और जाने से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आखिर जो हमारे घर के जो लोग हैं वो आखिर क्या करने लग रहे हैं। और भाई सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो भाई तुम्हारा पिकी पाई यानी कि तुम्हारा जो निसी है अपने व्लॉग की कर रहे हैं यहाँ पर एडिटिंग यानी कि अपने बी ओके के लिए। और इस वीडियो को जो हमारा मेन मकसद था भाई इस कैमरे को कम्प्लीटली लेमिनेट कराना यानी कि इसके ऊपर प्यारा सा कोई स्किन चढ़वाना, ये तो नहीं हो पाया लेकिन चलो कोई बात नहीं ये चलता है। बाकी भाई तुम अपने भाई का ना यहाँ पर पीस देख रहे हो भाई क्या बीस्ट लग रहा है कम्प्लीटली आरजीबी आरजीबी। निशी कैसा लग रहा है तुझे अपना पर्सनल पीसी पाके? अरे पर्सनल पीसी से कुछ नहीं होता, बैठे बैठे दुखती है ना तब पता चलता है। और अब आते हैं हम यहाँ पर दूसरी तरफ, ये है हमारे यहाँ पर दूसरा गेमिंग पीसी यानी कि हमारे दूसरे एडिटर साहब जो कर रहे हैं अपनी वीडियो की एडिटिंग। हाँ जी आप दिखाओगे नहीं दिखोगे मुखड़ा? तो भाई चलो ठीक है अभी हमारा यहाँ पर एडिटिंग चलने लग रहा है। ये हमारे यहाँ पर दूसरा पीसी है जो कह सकते हो कि हमारा ये पहला पीसी था लेकिन अब इसके अंदर पहले ऐसा कुछ रहा नहीं क्योंकि इसके अंदर की हमने सारी चीजों को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। और ये देखो ये कहाँ से आ गई, क्या हो गया तेरे को? अरे 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 नो नो नो, चलो भाई अपनी एडिटिंग चल रही है इसको चलने दो फटाफट से। बाय टाटा सी यू। ये कब आ रही है भाई? ये आ जाएगी आजकल में तो आ जाएगी तो मान हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो ठीक है भाई इसे करने दो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की ब्लॉग को हम यहीं पे एड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर में। सी यू, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।